बिलासपुर के केंद्रीय जेल में हत्या के मामले में आजीवन सजा काट रहे लकाड़ू प्रसाद खांडे ने उम्र के 7 दशक पार करने के बाद अब अपनी संपत्ति से मोह माया त्याग दिया है। तखतपुर के ढंडन गांव की पैतृक संपत्ति को शासन को सौंपने का मन बना लिया है, जिसके लिए लकाड़ू प्रसाद खांडे ने जेल अधीक्षक के माध्यम कलेक्टर को पत्र लिखा है और अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हुए अपने पत्नी के लिए एक मकान छोड़ने का अनुरोध किया है। साथ ही संपत्ति को अपने बेटियों के किसी काम का नहीं होने की बात कही है, जिसके लिए उसने अपने सभी बेटियों को अच्छी शिक्षा देकर क्लास 1 अधिकारी बनाने की बात कही। साथ ही बेटे के पास जो संपत्ति है उसे पर्याप्त बताया है। लकाड़ू प्रसाद खांडे नाम का एक दंडित बंदी है जिसको आजीवन कारावास की सजा है। वह उसका हृदय परिवर्तन हुआ है जेल में और वह चाहता है कि उसकी अपनी सारी संपत्ति वो दान करना चाहता है। इसके लिए उसने जेल अधीक्षक के माध्यम से कलेक्टर को एक आवेदन दिया है कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान करना चाहता हूँ। यह व्यक्ति ग्राम ढंढन का है और जैसा उसने बताया कि 52 एकड़ जमीन है और 2-3 मकान उसके बने हुए हैं, वो सभी को वो दान करना चाहता है। प्रोसीजर ये है कि हमने कलेक्टर को उसका आवेदन भिजवा दिया है। जेल के अंदर सजा काट रहे लकाड़ू प्रसाद के द्वारा अपनी संपत्ति को शासन के सुपुर्द करने के मामले को सुनने के बाद बेटी की आंखें भर आई और उसने भी अपने माँ बाप द्वारा सभी बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं होने की बात कही। साथ ही सभी बेटियों को एक अच्छे स्थान तक पहुँचाने में उनका बड़ा हाथ बताया, लेकिन पिता के द्वारा अपने इकलौते बेटे से सलाह नहीं लेने को गलत मानते हैं और पिता के द्वारा संपत्ति को शासन को सौंपने की इच्छा को सही ठहराते हैं। एक तो उनका सोच सही है, लेकिन क्या बोलते हैं, मेरे भाई को भी कुछ, उनको भी जब पैदा किए तो उनके लिए भी चाहिए, मतलब उनको जीने के लिए सहारा भी चाहिए। हाँ, और मेरी मम्मी भी है और हम लोग को नहीं चाहिए। ऐसे माना जा रहा है कि लकाड़ू प्रसाद खांडे 1992 में गांव में हुए एक हत्या के मामले में आरोपी था और 3 महीने जेल में रहने के बाद जमानत में रिहा हुआ था। तब अपनी पत्नी के साथ चारों धाम की तीर्थ यात्रा की और वहां से वापसी के बाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को यथावत रखते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तभी से लकाड़ू प्रसाद का मन ईश्वर के प्रति लग गया और अब वह भजन कीर्तन में ही अपना जीवन बिताने में जुटा हुआ है। सिटी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।